वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। आज सडनली प्लान बन गया कोटिलिंगेश्वर जाने का, क्योंकि मेरा दोस्त जो है अभी मुझे फ़ोन करके बताया वो लोग जा रहे हैं कोटिलिंगेश्वर, हम भी उसके साथ ज्वाइन कर लिए। चलो रास्ते में मिलते हैं। आ गया हमारा ट्रेन और चलते हैं, सफ़र का मज़ा लेते हैं। अब हम पहुंच गए हैं बंगाल पेट स्टेशन है, इधर से जाना पड़ेगा एक बस लेके कोटिलिंगेश्वर। चलो आगे बस में मिलते हैं। बस ले लेंगे उसके बाद, और थोड़ी देर के बाद आएगा हमारा बस का पेज, उसके बाद जाएंगे हम कोटिलिंगेश्वर। हेलो गाइस, अब फाइनली हम आ चुके हैं कोटिलिंगेश्वर मंदिर के एंट्रेंस गेट में। चलो आगे जाके बाबा जी का दर्शन करते हैं और खूब सारा घूमते हैं उसका प्लेस का आनंद लेते हैं। पहले यहाँ पे आके शू उतरना पड़ता है जो कि 5 रुपया लेते हैं, उसके बाद ये रहा एंट्रेंस गेट। गाइस अभी आप आ चुके हैं एंट्रेंस में और अंदर जाते हैं, प्रभु जी का दर्शन लेते हैं, उनको धूप और समर्पण करते हैं, तो अच्छा मन से प्रभु का दर्शन करके आते हैं। चलो अंदर मिलते हैं। आ गया द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स शिवा टेम्पल कोटिलिंगेश्वर मेरे साथ। सारे कोटि मतलब शिव जी का प्रतिबिंब है इधर हाथ में आने से, यहाँ का पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है जाने की, मतलब मन नहीं कर रहा है। चारों तरफ देख सकते हैं खाली शिव जी ही शिव जी है, और इधर भी देखो मंदिर की मतलब मंदिर मस्जिद के सामने शिव जी है, और इससे बड़ा इंडिया का लार्जेस्ट प्रतिबिंब है, देख सकते हैं इतना बड़ा इधर से, मतलब मिनिमम 5 फ्लोर होगा। देख सकते हैं जो इंडिया का लार्जेस्ट शिवलिंग यहाँ पे मौजूद है, जो कि बहुत सारे पर्यटक इधर आते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, और शिव जी का वाहन नंदी जी भी इधर। और उसके साथ बाबा जी का मथा में सबके अंदर में आ चुके हैं, हाथ में धागा ले लिए, जो भी मन्नत है इधर मांगने में अपने पूरी होता है। इधर जो मंदिर है ना, और मंदिर के पास पेड़ है उसमें लगाने से मनोकामना पूर्ण होता है। देखो कितना सारा लिंग है, वो मतलब बहुत ही खूब अच्छा प्लेस है। देखो सारी जगह शिव जी की ही की लिंक सब है, इसमें छोटा छोटा सब है। मेरा
अमेजिंग प्लेस, देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। कल शिवजी मिले, शिवजी ही शिवजी है। इधर 100 रुपीस भी लेते हैं जो फोटो खिंचवाना चाहिए तो। फाइनली दर्शन हो गया, इतना अच्छा लग रहा है इंडिया का लार्जेस्ट शिवलिंग के सामने आप खड़े। और एक बात मैं उसका बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आने में ना जो शांति मिलता है वो मतलब जो आएगा वो भी महसूस करेगा, अच्छा लगता है वो। अब हम पहुँच चुके हैं ट्रेन स्टेशन में, अच्छे से हो गया दर्शन, उसके बाद चलो फिर अभी अगले ब्लॉग में मिलते हैं।